देश में अयोध्या के भूमि पूजन को एक बड़े पर्व के रूप में मनाया गया। लोगों ने घरों में दिए जलाए, मंदिरों को सजाया और कई जगह राम कथा का गुणगान हुआ। और इन सभी के बीच एक बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि जो पौधा पीएम मोदी ने कल अयोध्या में लगाया वो कौन सा पौधा था? आखिर वही पौधा क्यों लगाया गया? क्या उस पौधे में कुछ खास है? तो हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो कोई मामूली पौधा नहीं है, वो पौधा स्वर्ग से आया पौधा है। हिंदू धर्म में तो इस वृक्ष को दिव्य वृक्ष भी कहा जाता है। इस पौधे की सिर्फ 5 प्रजातियां हैं जो काफी कम जगहों पर पाई जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार पारिजात वृक्ष को देवराज इंद्र ने स्वर्ग में लगाया था। इसके फूल सफेद रंग के और छोटे छोटे होते हैं। खास बात यह है कि इसके फूल रात में खिलते हैं जो सुबह पेड़ से स्वयं ही झड़ जाते हैं। और खास बात यह है कि इन फूलों को तोड़ा नहीं जाता, जो फूल स्वयं गिर जाते हैं उन्हीं को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। इस वृक्ष को लेकर कई हिंदू मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय है, इसीलिए माँ लक्ष्मी को पारिजात के फूल चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि पूजा पाठ के दौरान अगर ये फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाए जाए तो माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और उस घर में कृपा बरसाती हैं। इसके साथ ही पारिजात के पेड़ को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। पारिजात के बारे में कहा जाता है कि इसे कान्हा स्वर्ग से धरती पर लाए और गुजरात राज्य के द्वारका में लगाया था। इसके बाद अर्जुन द्वारका से पूरा का पूरा पारिजात वृक्ष ही उठा लाए। यह वृक्ष 10 से 30 फीट की ऊंचाई तक वाला होता है। खास तौर से यह हिमालय की तराई में पाया जाता है। इसके फूल, पत्तों और तने की छाल का इस्तेमाल औषधि में भी किया जाता है। इस वृक्ष को भगवान इंद्र, श्री कृष्ण और अर्जुन से जोड़ा गया है, तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर इंद्रलोक में यह वृक्ष लगाया गया हो तो इसका क्या महत्व हो सकता है। ये पौधा कितना महत्व रखता होगा अगर इसे स्वर्ग लोक में लगाया गया हो। और इसी कारण से पीएम मोदी ने इसे कल अयोध्या में रोपित किया। HS न्यूज के लिए उषा कश्यप की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।